नेताजी को बचा लीजिए अखिलेश भैया, मुलायम के लिए फूट फूट कर रोया सपा समर्थक, दुआओं का दौर जारी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है, उनकी सेहत में किसी प्रकार का सुधार फिलहाल नहीं नजर आ रहा। समाजवादी पार्टी की ओर से मना करने के बाद भी समर्थक मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है, उनकी सेहत में किसी प्रकार का सुधार फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ उनके लिए दुआओं का दौर जारी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से मना करने के बाद भी समर्थकों का रेला गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पर पहुंच रहा है। एक समर्थक तो अस्पताल के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते ही कहा कि भैया नेताजी को बचा लीजिए। अखिलेश ने उसे ढांढस बधाया और कहा अरे अरे बस। अखिलेश ने यह भी कहा कि नेताजी ठीक हो जाएंगे। अस्पताल पर मौजूद सपा कार्यकर्ता मुलायम के लिए अपना अंग भी दान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से नेताजी के साथ खड़े हैं, जरूरत पड़ने पर अगर अपने अंग भी दान करने पड़े तो भी हम तैयार हैं। हमारे नेता जी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, हम सब के लिए यह वक्त दुखद है, हम सब की दुआ नेताजी के साथ है। बता दें, अगस्त से ही मेदांता में भर्ती मुलायम की हालत पिछले शनिवार को क्रिटिकल हो गई। इसके बाद उन्हें पहले आईसीयू फिर सीसीयू, इसके बाद दोबारा आईसीयू में रखा गया। इस समय भी वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। गुरुवार दोपहर मेदांता अस्पताल की ओर से उनका चौथा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। इसमें बताया गया है मुलायम सिंह की हालत अभी भी क्रिटिकल है, उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स दी जा रही है। मुलायम की तबीयत क्रिटिकल होने के बाद से ही अखिलेश, डिंपल, शिवपाल समेत पूरा परिवार दिल्ली और गुरुग्राम में हुआ है। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजद प्रमुख लालू यादव अपने बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुलायम का हाल जाल में पहुंचे थे। हालांकि अस्पताल से निकलने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव अस्पताल से कब तक डिस्चार्ज होंगे तो लालू ने कहा कि यह डॉक्टरों पर निर्भर है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुलायम सिंह की हालत पहले से गंभीर है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।